मतलब बैरिंग आ गया, उधर वाला इधर आ गया, ठीक है। ये वो की है जो, और जाबा और सुलू, जाबा सी और सुलू सी, जाबा सागर ये है, लाइट जला लो है क्या, मोबाइल जलाएं क्या, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ये सब इसके सीमांत सागर है। सर जावा सागर के बाद में दूसरा सागर कौन सा बोला था? सुलू, सुलू ये यही कहीं है जावा के आसपास में दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। और ये तो सागर है, ये चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, क्यों नहीं पता, क्यों नहीं पढ़ते हो? दूसरी चीज आती है इसके बाद, आते हैं कटक, प्रशांत महासागर के कटक, प्रशांत महासागर के कुछ कटक हैं, उसके केवल नाम लिख लीजिए, एड्रेस बोल लीजिएगा। कटक है एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस कटक, कटक तो समझते हैं ना साहब, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पीछे कटक समझते हैं सभी? एल्बेट्रॉस कटक, टोकोस कटक, हवाई कटक, कैरोलीन, नाचका, नाचका, सोलिमन, ये कटकों के नाम है। सवाल कैसे बनेगा, वहां पूछेगा क्या, एक तरफ लिखेगा प्रशांत महासागर, एक तरफ अटलांटिक महासागर, एक हिंद महासागर, इधर कटक के नाम दे देगा, दे देगा कॉपोस, फिर इनको करवाएगा मैच कराओ कौन सा किससे है, ये मैच करने के लिए आ सकते हैं ना, तो आपको नाम इनकी पता होना चाहिए। इसके बाद अगला आइडिया आपका आएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर जो है उसकी कुल गहराई 3,736 मीटर है, और संपूर्ण जल क्षेत्र का 1/6 भाग इसके अंतर्गत है। अटलांटिक महासागर बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी पहला फोन जिसमें आएंगे इसके प्रमुख तट, प्रमुख तट के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक के नाम से आता है, डोगर बैंक, ये इसके तट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण किसके जाने जाते हैं, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन पालन तो किया जाता है, जॉर्जस बैंक भी जाते हैं पता, जॉर्जस बैंक सब इसके तट हैं, सेंट पियरी बैंक, और सेविल, सेविल लिप बैंक, अटलांटिक महासागर में जो द्वीप हैं, आइलैंड है छोटे छोटे, उनमें से जो महत्वपूर्ण है केवल उनके नाम,
यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण है। सर अटलांटिक महासागर की गहराई से कितनी बताए थे? 3736 मीटर। द्वीप के नाम लिखिए, फॉकलैंड, फॉकलैंड, अजोर्स। ये महत्वपूर्ण वाली केवल लिखा रहे हैं, पैसे तो बहुत सारे हैं। अजोर्स, कीप बार्डे, एंडस में ढूंढ लेना इनको जरूर, कहाँ है कीप ये बार्डे, बरमूडा, बरमूडा तो नाम ज्यादा सुना होगा, सुना है, वेस्ट इंडीज, सैंडविच, सेंट हेलेना, किनारी, किनारी। इसके बाद आते हैं इसके सीमांत सागर, है ना, तेजी से थोड़ा सा काम कर दो, आगे पकड़ाएंगे इसके बाद का सीमांत सागर में। इसके लिखने जी लिख लीजिए, हडसन की खाड़ी देखी होगी सबने, कहाँ है हडसन खाड़ी, कहाँ है बताओ, नहीं पता किसको, पता हाथ खड़ा करो, बस कनाडा, अरे कभी तो पढ़ा करो भाई, ये चीज है, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, ये है हडसन की खाड़ी। बाल्टिक सागर ये तो पता होगा, है बाल्टिक सागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर, अरे अटलांटिक में तो उसका सीमांत सागर है, उसमें थोड़ी ना आई, कहाँ है बाल्टिक सागर भी नहीं पता हम लोगों को, ये है बाल्टिक सागर। इतनी बार कहाँ है, हमने घर पर जाकर एक्शन ले लिया। अगला है उत्तरी सागर, ये तो जानते होंगे, नॉर्थ सी, हाँ हाँ नॉर्थ सी, किसको पता है नॉर्थ सी कहाँ है, किसको भी नहीं पता, कहाँ उत्तरी सागर, ये गलत बात है, यानी कि सही से पढ़ रहे हो, इतना महत्वपूर्ण सी है, पूरा यूरोप इस पर टिका हुआ है, आप लोगों को ये नहीं पता, ये है उत्तरी सागर। दोहर बैंक है वो यही है ना, उत्तरी सागर की कुछ क्वालिटी, उत्तरी सागर एक बार अधिक क्वालिटी का बताऊँ, ये एक बात, और जबकि मैं कई बार बोला भी हूँ, ऐसा स्थल है जो खुला है, और किसका भाग है ये, सबसे पहले क्या बताया आपने, हम तट समुद्र में चलते हैं तो सबसे पहले क्या पड़ता है, मंग तट, मंग तट, ये मंग तट का पार्ट है, उथला है, यहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों तरफ की धाराएं भी आती हैं, तो उससे मछली का उत्पादन यहाँ पर बंपर होता है, प्लबक नामक एक वो खास होती है, इतना अच्छा पढ़ी नहीं रहे, सीधी सी बात ये। अगला आता है इसके बाद बोथनिया की खाड़ी, मैंने भी सुनी हुई था बोथनिया की खाड़ी, डेविस स्ट्रीट, भूमध्य सागर को सुना होगा, कहाँ है भूमध्य सागर, कहाँ पीछे आगे आगे बैठे, तुम पीछे क्यों बैठ गई हो, भूमध्य सागर भी नहीं पता, आज जाके घर पे सबसे पहले एटलस खरीद लेना और इन सारे सागर को याद कर लेना, अगली क्लास में जब मैं आऊँगा ना तो उस क्लास को लूँगा नहीं सुनूंगा कि कहाँ कहाँ पर कौन सा सागर है, कौन सा पोर्ट है, कौन सी नदी है, जब तक आप एटलस का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्यों नहीं पता आप तक सी इतने समय से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ रहे हो भूमध्य सागर नहीं पता आपको, सागर तो बिल्कुल, यह भूमध्य सागर,
ये है डेविस स्ट्रीट, ये लैब्राडोर खाड़ी है, बिफोर सी है, चुपची सागर है। तो मैं पूर्ण अंक लगा दे रहा हूँ सर, ध्यान देते रहना। मोजम्बिक चैनल है, गिनी की खाड़ी है, ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, पूर्व चाइना सी, तस्मान सी, ये महत्वपूर्ण है, कोरल सागर, आराफुरा सी, कार्पेंट्रिया की खाड़ी, चाबा सागर, ये सब तो पता होना चाहिए बिल्कुल एकदम। और उसके आगे बढ़ो, इसी में कैंटी वाले में आता है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज क्या होती है सर? समुद्र की सर, मिड ओशनिक रिज क्या होती है? कितनों को नहीं पता, हाथ खड़ा करो। मिड ओशनिक रिज से ये बताओ, जब भी क्लास में आते हैं जो पढ़ा चुके हैं वही पूछते हैं, और फिर भी हम लोगों के हाथ नहीं खड़े होते, तो ये याद क्यों नहीं है? पढ़ते नहीं हो, कितनी बार बता चुका हूँ मैं वीडियो खोल रही, अब तक मुझे खुद याद आ रहा है, 3 से 4 बार क्लास में बता चुका हूँ। और सर एक ये होता है, पिछली क्लास में बना बना के चित्र बना बना के चित्र बनाया, मिड ओशनिक रिज क्या होता है? किसी और के लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो ना, क्यों याद नहीं है? ये है तली, किसकी? सागर की, ये सागर तल है। नीचे क्या है हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है? पृथ्वी के नीचे है मैग्मा है, और ये जब जब यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद जो मैग्मा ऊपर को निकल के यहाँ जमा हो गया, ये ऐसे जमा हो गया, तो जो समुद्र के भीतर या ऊपर भी आ सकता है, ज़्यादातर अंदर ही रहता है, तो उसने मैंने दिखाया था गूगल अर्थ में, यस सर, वो ही मिड ओशनिक रिज होता है, बताया था, दिखाया था मोबाइल में, यस सर, सब कह रहे हैं कि हमको नहीं पता, हम तो बता रहे हैं। जब दो प्लेटें का मूवमेंट, एक का इधर होता है एक का इधर होता है, प्लेट टूट जाती है, पृथ्वी के नीचे से जो मैग्मा निकल के ऊपर जम जाता है, उसे जमा होने के कारण जो आकृति बनती है, स्थलाकृति बनती है, उसको मिड ओशनिक रिज कहते हैं। समुद्र के बीच में अगर बन गई तो मिड ओशनिक रिज हो गया, और नहीं बनेगा तो खाली गटर बोल देंगे, तो समुद्र में ही बनेगा, समुद्र में ही बनेगा, और कहाँ बनेगा? वहाँ ऊपर लैंड पर आएगा तो वो तो वोल्केनो हो जाएगा, ज्वालामुखी हो जाएगा। तो मिड ओशनिक रिज कहाँ है? ये इसमें पूरा, ये यहाँ से लेके पूरा पूरा हिस्से में यहाँ पर ये टूटा हुआ है, मिड ओशनिक रिज है ये पूरा, ये उसमें का चित्र भी बना हुआ था, टूटा हुआ था ये बना हुआ। तो मिड ओशनिक रिज लिख लो उसके बारे में, यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोबेट द्वीप तक, आइसलैंड से बोबेट द्वीप तक एस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर, ये लंबाई में फैले हैं, 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैले। क्या पढ़ाया था? कर ये बोल दिया है।
अब ये जो मिड ओशनिक रिज है इससे क्या बने, कई सारे कटक बन गए। उन कटक का नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग है। ये जब आप एटलस को देखोगे इसको तो बहुत सारे आपको कटक दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर मुझे दिखा दिख नहीं रहा है क्या लिखा है ना, जैसे यहाँ पर है, अरे दिल छोटा लिखा है ना, मैं नाम बोल देता हूँ किताब में, इसमें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जितने भी ये वाली सेफ है ना, ये सिर्फ डार्क डार्क है, ये सब कटक है, ये जितना भी ये दिख रहा है ये सब कटक है। तो इन कटकों के ही नाम जो है वो है, इसको लिख लीजिए, उत्तरी अटलांटिक सागर में इसका नाम डॉल्फिन कटक है। ये IAS में सवाल पूछा था एक बार कटक का नाम लगवा कर, उत्तरी अटलांटिक में इसका नाम डॉल्फिन कटक है, जबकि दक्षिणी अटलांटिक में चैलेंजर कटक है। हाँ चैलेंजर, आइसलैंड तथा स्कॉटलैंड के मध्य है, इसको आइसलैंड तथा स्कॉटलैंड के मध्य इसको बिपिल थॉम्सन कटक कहते हैं तथा ग्रीनलैंड के पूरब में इसको टेलीग्राफ पठार टेलीग्राफ पठार कहते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करके अटलांटिक महासागर में रोमांस गर्भ, रोमांस गर्भ नरेश गर्भ केमन केमन पोर्टो रिको गर्द, हाँ तथा सैंडविच गर्द आदि मिलती है। रोमांस नरेश केमन पोर्टो रिको सैंडविच, टोटल इसकी गहराई जो है 3870 मीटर। पिगमेंट द्वीप पाए जाते हैं वो तीन तरीके के हैं, बड़े मध्यम और छोटे। ठीक है, बड़े द्वीपों में कौन कौन से, एक आपका नाम बता पाएंगे आप हिंद महासागर के द्वीप का जी, कौन कौन से द्वीप है? जैसे डेमेंटाना हो गया, डेमेंटाना हो गया, मेडागास्कर हो गया, और जैसे मेडागास्कर है श्रीलंका है। ठीक है, तो ये जावा सुमात्रा, ये सब जावा सुमात्रा बोली बड़े द्वीप है। ठीक है, मध्यम में अंडमान निकोबार आ जाएगा, यूरियन आ जाएगा, जंजीबार, मॉरिशस, कैमेरो आ जाएंगे, और छोटे वालों में जैसे मालदीव है अपना, कौन सा है छोटा और लक्षद्वीप है, सेशल्स है, डियागो गार्सिया है, छोटे द्वीप वाले। ठीक है सर, मध्यम समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा है लगभग। हाँ, अगर आप लोग ऐसे ही गर्मी बढ़ाते रहे डूब जाए वो कम हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, अब इसमें और चीज़ें जितनी भी हैं आप लोगों को थोड़ा सा एटलस से अध्ययन कर लेना, इसमें पढ़ लेना, देख लेना।
महासागरीय जल का तापमान, ये नया टॉपिक है। महासागर है उसके तापमान का क्या वैरायटी है, किस किस जगह पर कितना तापमान होता है, क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है, ये सब आपको पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, तो महासागर का औसत जो तापमान है वो 5 डिग्री से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, जहाँ जो भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र होंगे वहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा, जो ध्रुव वाले क्षेत्र होंगे वहाँ तापमान कम होगा। तो हम उसको देखते हैं कि कहीं पर 5 डिग्री मिलेगा, यहाँ पर तो माइनस में मिल जाएगा, है ना, और कहीं पर 33 डिग्री तक हो सकता है टेम्परेचर। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर ये टेम्परेचर मिलता है, औसत रूप से 5 से 33 डिग्री पर मिलता है। महासागर के जो सतह है, महासागर की जो सतह है उस सतह, जैसे कोई भी ये महासागर है मान लो इसी है, इसकी जो ये सतह है ये वाली जो ये लेयर, इसके जो औसत रूप से तापांतर होता है वो बहुत कम होता है, तापांतर कम होता है, क्यों, क्योंकि समुद्र की जो जो सूरज की किरणें हैं 800 से 1000 मीटर तो ये क्या करेगी, जितना मान लो इसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर लिया तो ये इतनी ही बनी रहेगी, शाम के टाइम में हल्का, शाम के टाइम में तो गर्म हो जाएगा, दिन के टाइम में जितना है उतना बना रहेगा, लेकिन ये गर्म होने के बाद जो पानी है, पानी में क्या होता है, अंदर को पानी पानी को गर्म करना शुरू करता है, तो नीचे का ठंडे पानी ऊपर को गर्म करता रहता है, तो एक संतुलन बना रहता है। यानी कि जैसे अगर हम लैंड की बात करते हैं, लैंड पे क्या होता है, मान लीजिए कि दिन में हमारे यहाँ 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया हर कोई में, हो जाता है दिन में, वही रात में जब पहुँचते तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, आता नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है, तापांतर का अंतर ज़्यादा है, जबकि महासागर पे आप हर समय वहाँ पर टेम्परेचर वैसा ही बना रहता है, इसीलिए तटीय क्षेत्र जो भी होंगे वहाँ पर सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल बना ही रहता है हमेशा, है ना। उसका कारण यही है कि तापमान का जो तापांतर है बहुत कम देखने को मिलता है। देर से गर्म होते हैं, देर से, हाँ समुद्र जो है देर से ही गर्म होते हैं, देर से ही ठंडे होते हैं, और जबकि जो हमारा लैंड है वो जल्दी एकदम गर्म हो जाएगा और ठंडा भी एकदम हो जाएगा, है ना। समुद्र मान लो कि 5 घंटे उसे गर्म होने में लगे, 5 के 12 घंटे गर्म होने में लगे, अगले 12 घंटे वो ठंडा होगा, तब तक फिर गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए तापांतर का अंतर नहीं है। ठीक है, दूसरा इसके जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि उत्तरी गोलार्ध में सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त तथा न्यूनतम फरवरी में मापन किया जाता है, है ना, अधिकतम अगस्त में न्यूनतम फरवरी में। देखो अधिकतम गर्मी हमारी जून जुलाई में पड़ती है, है ना, और ऐसे ही जनवरी दिसंबर और जनवरी में पड़ती है, लेकिन जो एक्सट्रीम पॉइंट का टेम्परेचर है वो उससे 1 महीना आगे जाता है, है ना। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें, आप लोग सब जानते होंगे, मतलब मैं बोल तो गलत ही रहा हूँ, जानते तो कुछ हो ही नहीं, ये सन है, सन की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, कितनी बार बताया, बहुत बार बताया, लेकिन अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं मिलेगा, अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही
जब अगस्त और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन जब उसका औसत निकाला जाता है मेजरमेंट करके, तो वो टेम्परेचर हमारा अधिकतम जून उसमें अगस्त और फरवरी में मिलता है। ठीक है, तो साधनों के बारे में एक बात हो रहा है कि जो साधन जितना ज़्यादा छोटा होगा और बंद होगा, उतना ही उस साधन का तापमान क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा है ना, क्योंकि छोटा है तो उसे गर्म होने में कम समय लगेगा, उसे नहीं गर्म हो जाएगा। जैसे आप लोग बड़ी कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे, गैस पे, तो बहुत देर में गर्म होगी, छोटी में रखने के देर में गर्म हो जाएगी ना, बस वही कारण है। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर भी जैसे भूमध्य सागर है, वो बाल्टिक सागर है, इनका तापमान तुलनात्मक रूप से बड़े महासागरों से ज़्यादा है ना। कहाँ लिखते भी चलो ये पॉइंट नोट करते चलो, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर का तापमान अधिक है। प्रशांत महासागर का औसत तापमान 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो अन्य सभी महासागरों से ज्यादा है, और जितने महासागर हैं उनका तापमान इससे कम है, औसत रूप से प्रशांत महासागर का तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। सर प्रशांत महासागर पर ये प्रशांत महासागर तो बड़ा है सर, इसका तब भी ज्यादा है इसका अटलांटिक महासागर की अपेक्षा। हाँ ये बड़ा है, उसके बावजूद भी इसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है कि सूरज की जो किरणों का इम्पैक्ट करता है वो ज्यादा कर रहता है, ओवर लाइट आ जाता है, इसमें लाइट आता नहीं है, इसमें डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना, इसलिए ज्यादा इसका एरिया ज्यादा फैलता है, पूरा ही खुला है इस तरीके से, इसी में बाकी जो है क्या है बीच बंद में लाइट उनको डिस्टर्ब कर देता है, तो उसका टेम्परेचर नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइट से क्या होता है बारिश होती है, पानी चला जाता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है विषुवत रेखा से दूर जाने पर तापमान में वृद्धि होगी कमी होगी। कमी होगी सर, कमी होगी, देख लो विषुवत रेखा से दूर जाने पर तापमान में कमी कमी होगी, 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान ऊंचाई बढ़ी। जीरो डिग्री ऐसा कीजिए, इधर अक्षांश बनाइए, अक्षांश इधर तापमान, इधर लिखिए 0 डिग्री, इधर लिखिए जितना तापमान इसका है वो 0 डिग्री पर औसत तापमान 20 डिग्री और 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री पर 20 डिग्री पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। एक सेकेंड एक बंद रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर में क्या होती है, कमी होती है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। रेखा पर सूरज का प्रकाश ज्यादा मिल रहा है ना,
तो टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलेंगे वैसे वैसे तापमान में क्या होगी, कमी होती चली जाएगी, तो यहाँ तो बिल्कुल माइनस में हो जाएगा। ऊपर चलने पर ऐसा हो जाएगा कि एक सेकंड चलने यूरोप का नाम सुना है सर, यूरोप में मौसम कैसा रहता है? डेनमार्क में ठंडा रहता है ना, कनाडा में ठंडा है ना, यूएसए भी ठंडा है क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में है, ठंडा ही रहता है। जितना ऊपर जाएंगे उसी तरीका से उतना ठंडा होता चला जाएगा। अभी हम यहाँ कहाँ हैं, कितने डिग्री लाइन पर हैं? हम कितने डिग्री लाइन पर हैं? लगभग यहाँ पर 25 के आसपास हम हैं, 27 के आसपास है, 27-26 इतना डिग्री ट्रांसफर है। जैसे ही हम 26 पहुँचेंगे जम्मू कश्मीर में ठंडा हो जाएगा, और कम पहुँचे और ठंडा हो जाएगा। दो तरीके से टेम्परेचर में अंतर आता है, एक तो क्या पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, और दूसरा 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाने पर। दोनों तरीके से ठंडा होगा, तो वो जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं वो तो दोनों क्षेत्रों में पड़ रहे हैं, वहाँ अक्षांश भी ऊंचा है ना, ऊपर वाला है, और उनका एल्टीट्यूड भी ऊंची है, इसीलिए वहाँ पर ठंडा रहता है। अगला पॉइंट है इसका, स्थल खंड की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध में, स्थलखंड किसमें ज्यादा है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है ना, दिख रहा है? देखो ये दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में पूरे में सागर ही सागर है, है? और ऊपर वाले में देखो पूरे में स्थल स्थल है। तो जब स्थल ज्यादा है, स्थल की क्या क्वालिटी बताई थी? स्थल जो है सूर्य के प्रकाश से जल्दी गर्म हो जाता है, वो गर्म रहता है, गर्म रहेगा। जब स्थल ज्यादा है वो ज्यादा तेज गर्म हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध पूरा ही क्या रहेगा, तुलनात्मक रूप से दक्षिणी गोलार्ध से ज्यादा गर्म रहता है ना, लिख लो ये जान, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से अधिक गर्म रहता है। अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक रहता है। लाइन चेंज करके समुद्र में जो ये सी है, इससे जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या होगी, कमी होगी, टेम्परेचर में कमी होती चली जाएगी। ठीक है, वो कमी किस तरीके से होती है कुछ इसको भी ध्यान सर ध्यान रख लीजिए, इसमें एक लाइन पूरी लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ, गहराई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है, तापमान कम होता जाता है, ध्रुवीय भागों में तापमान सतह से कुछ गहराई पर होता है, परंतु 400 मीटर के नीचे जाने पर तापमान कुछ गहराई पर होता है, परंतु 400 मीटर से नीचे गहराई पर जाने पर तापमान पुनः गिरने लगता है। सूर्य की किरणें सागरीय जल में सागरीय जल में 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर सकती है, यानी कि सूरज की जो लाइट है ये केवल 200 मीटर तक आ सकती है, इसके नीचे सूरज की लाइट नहीं पहुंचेगी, पूरा क्या हो जाएगा, नीचे उबलेगा, अंधकार गुप्त, कुछ नहीं दिखाई देगा, खो जाओगे, है ना। अभी इसमें जो लाइन मैं बोला हूँ ये लाइन आप लोगों को समझ में आई नहीं होगी ना, आप पूछोगे लेकिन मैं बताऊंगा,
मैंने बोला है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह से कुछ गहराई पर तापमान मिलता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान इतना अधिक डाउन हो जाता है कि ऊपर की जो लेयर है बर्फ जम जाती है, ये बर्फ जम जाती है यानी कि बर्फ ठोस। तो यहाँ यहाँ क्या होगा, माइनस के 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अब हम क्या बता रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ये बात तो बताए, लेकिन यहाँ क्या होगा, इसके नीचे यहाँ कुछ गहराई पर टेम्परेचर 4 डिग्री 4 डिग्री या 1 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। यानी कि ऊपर ठंडा नीचे गर्म, तो सिस्टम क्या हो गया, पलट गया ना। तो ये क्या होगा, तापमान का व्युत्क्रम, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान का व्युत्क्रम देखने को मिलता है। जो सामान्य तौर पर तापमान घटना चाहिए था वो बढ़ता रहता है, लेकिन 400 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर फिर से कम होने लगता है। ये लेंसर भयो 400 मीटर की गहराई पर फिर से टेम्परेचर कम होने लगता है और फिर कम ही होता रहेगा। बात समझ में आ गई, इसीलिए आप देखते हो गए कभी डिस्कवरी वगैरह अगर देखा हो तो वहाँ पर जो मछलियाँ तैरती हैं बर्फ के नीचे होती हैं, फिर पानी निकलता है नीचे से, बर्फ होता है नीचे से, जो पानी होता है वो गर्म होता है, इसलिए तो पानी बना हुआ है। ऊपर की लेयर जो है ठोस हो गई, नीचे पानी है तो वो गर्म है, इसलिए है ना, तो मछलियाँ उसी में तैरती हैं। अब देखो फिर एक टेबल बना लीजिए छोटी सी, एक तरफ देख लीजिए गहराई, एक तरफ की गहराई और एक की तापमान, तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में, गहराई में लिखे 200 मीटर के आगे लिखे इधर, इधर 200 मीटर लिखे 15.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 मीटर की गहराई पर इतना टेम्परेचर रहता है। ठीक है, 400 मीटर, 400 में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखें 1000 मीटर 2.5 शायद 2.5 नहीं पड़ा, 1000 में लिखें 4.5, फिर 2000 मीटर 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर देखिए 3000 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर देखिए 4000 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि नीचे पहुंचने पर टेम्परेचर 2 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, ये आपका सारे तापमान से संबंधित बातें थी। इसके बाद आते हैं हम तरंग, इसमें सर इसका एवरेज नहीं है सर, मतलब नीचे गहराई में जाने में औसत क्या है, मतलब बढ़ने की औसत जो है औसत जो है औसत रूप से इतना है, मतलब वो नहीं है कि एक डिग्री सेंटीग्रेड कम होकर चला जाएगा। पृथ्वी के भीतर जाने में कितना टेम्परेचर कम होता है, इंटीरियर में बत्तीस मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। यहाँ से आज खोदना शुरू करोगे 32 मीटर गहरा गड्ढा खोद दे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। मुझे बढ़ेगा सर, पता नहीं जी खोदने में बढ़ेगा टेम्परेचर, हाँ बढ़ेगा, एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ रहे हैं, पृथ्वी के अंदर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा है ना, और ऊपर जाने पर कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर, एक किलोमीटर के 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, 1.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर टेम्परेचर
गिरावट आएगी। ऊपर जाने पर क्या होगा, कम हो जाएगा सर, इतना नीचे भी है लेकिन ऊपर बढ़ने पर सर एक घंटे बाद रुक भी जाएगा फिर घटने लगेगा, तो वायु को उसमें बाहर निकल जाएगा। ये बातें पता है, ये पता है, पता है। पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना की हम बात करते हैं तो पृथ्वी के भीतर जाने पर टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ठीक है, लेकिन समुद्र के भीतर जाने पर टेम्परेचर में कमी हो रही है। दोनों बातों को ध्यान रखना, और पृथ्वी के वायुमंडल में जाने पर भी टेम्परेचर में कमी हो रही है, यानी पानी में जाओगे तब भी कमी होगी, वायु में जाओगे तब भी कमी होगी, लेकिन पृथ्वी को खोद के अंदर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो कितना, 1°C 35 मीटर का, नहीं सर 1 किलोमीटर, 35 मीटर है, 35 मीटर है, 1 किलोमीटर तो नहीं है सर, ज़्यादा होने लगेगा जैसे 4-5 हज़ार मीटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर। 1°C 32 किलोमीटर को बढ़ा दोगे तो 1 किलोमीटर पर फिर नीचे को क्या हाल हो जाएगा, हाँ तो बहुत ज़्यादा होगा ना, तभी तो किलोमीटर तो नहीं होगा। 1°C टेम्परेचर 32 मीटर का, ठीक है, किलोमीटर में नहीं देख रहा, 25 मीटर पर ये चलेगा, लगातार कम होता चला जाएगा, लगातार कम होगा तभी आपको क्या मिलता है, तरल मिलता है, मिलता है तरल के बाद फिर ठोस मिलता है, फिर तरल मिलता है, मिलता है, ऐसे मिलती है पृथ्वी हैं, तो वो उसका कारण यही है। कल ही हम एक वीडियो देख रहे थे, एक वोल्केनो था, उसमें से ऐसी आग निकल रही थी कि सोचो कि पृथ्वी के भीतर कितनी आग अभी भी है, कितनी गर्म है। जितना हम कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड या दुनिया भर की चीज़ें बचाएं, ये करें वो करें, अगर एक जगह से एक वोल्केनो फट गया अच्छे से, तो जितना हम पूरे साल में खजना करेंगे इतना हम पैदा करते हैं, पृथ्वी के अंदर इतना घुसा हुआ है ना, तो बच के रहा करो, पृथ्वी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। जापान देखो, जापान जो ये पर्टिकुलर देश में अगर हम बात करें तो औसत रूप से 500 ज्वालामुखी से ज़्यादा जापान में है, ठीक है, इंडोनेशिया में इतने ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा उसमें जा रही है पर डे, जो ये भूकंप आता है पूरी ये जो बेल्ट है ये रिंग ऑफ फायर का, ये रिंग ऑफ फायर पूरी बेल्ट में वोल्केनो की, वोल्केनो वो भी कौन से वाले हैं, एक्टिव वाले, सक्रिय ज्वाला, 1500 से 1500। अब बात करेंगे तरंग की, तरंग को समुद्र की सबने देखी होगी, अभी आपने क्या देखा, समुद्र देख लिया, समुद्र की तली देख ली, अब समुद्र का पानी देखेंगे चलता हुआ घूमता फिरता है ना, तरंग, तो तरंग जो होती है वो मुख्य रूप से कैसे उत्पन्न हो जाती है, तरंग जो हमारे मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये सी है, ये सागर का पानी तो बिल्कुल आराम से है, लेकिन वो क्या करता है, उसमें हलचल पैदा हो जाती है, ऐसा होता है ना, ऐसी चलता है, तो ये कैसे हो गया सर, चंद्रमा क्या है उसके आकर्षण के कारण, उसका जो फोर्स बल मैग्नेटिक गुरुत्वाकर्षण के कारण है, माइनस ज्वार भाटा के लिए इफेक्ट कर जाता है, ज्वार भाटा ही वो वाली तरह की बात करते हैं, नॉर्मल सर जो पूरे दिन भर समुद्र में तरंगे चलती रहती है, वो तरंगे हमारी जो पवनें चलती है उन पवनों के घर्षण के कारण वो तरंगे उत्पन्न होती है ना। दूसरा सर, पृथ्वी जो घूम रही है परिभ्रमण कर, हाँ वो मुख्य रूप से धाराओं के लिए इफेक्ट करता है ना, तरंगे जो होती है तरंग के लिए वो इफेक्ट नहीं डालता है, वो धारा है, तरंग को धारा में अभी बताएंगे सब अंतर होता है। तो तरंगे जो होती हैं हमारी जो ऊपर की एक लेयर होती है, जैसे ये समझो ये पानी इतना गहरा है ना, पानी की ये ऊपर वाली जो लेयर है ये तरंग है जो ऊपर पर चल रही है,
पानी के अंदर पूरा जो लेके चल रहा है वो धारा है, यानी कि जो अंदर अंदर चल रहा समुद्र के वो धारा है। वो उस पर ये पवने कोई इफेक्ट नहीं डालती है, पवन किस पे इफेक्ट डालेगी, इस तरंग पे, क्योंकि हल्की लेयर को उड़ा के ले जाती है। ठीक है, जो अंदर चलती है वो धारा है, जो ऊपर चल रही है वो तरंग है। वो तरंग भी कई प्रकार की होती है, अभी बताएंगे सब। तो ये इसको जो चलाने का काम कर रही है वो हमारी हवाएं हैं। हवाएं कौन सी, जो परमानेंट हवाएं चल रही है, वो तरंगों को इनको मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो जब ये तरंग की बात आती है तो तरंग मुख्य रूप से हम इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, तरंग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहली है, पहली को बोलते हैं सी, दूसरी को बोलते हैं स्वेल, तीसरी को बोलते हैं सर्व। ये तीन तरंगे तीन टाइप के चलते हैं। ठीक है, तो पहले इनके बारे में लिख लीजिए आप लोग, लेकिन लाइन लिखा हुआ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सी होती है। पहले सी में लिखिए, ठीक है, विभिन्न तरंग दैर्ध्य एवं दिशाओं वाली, विभिन्न तरंग दैर्ध्य एवं दिशाओं वाली तरंग महासागर में एक साथ उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप तरंग एक साथ उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एक अनियंत्रित तथा अस्त व्यस्त, एक अनियंत्रित तथा अस्त व्यस्त तरंगी प्रारूप का निर्माण हो जाता है, तरंगी प्रारूप का निर्माण हो जाता है, जिसे सी कहते हैं। अब इसको समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो कि ये एक सागर है, ये है, इसमें पता लगा इधर को भी तरंग चल रही है, पता लगा ऐसे भी चल रही है, इधर को भी चल रही है, यानी कि एक पूरे उसमें कोई उनका एक पैटर्न नहीं है, सब आपस में चल के मिक्स हो रही है, कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। जैसे सामान्य तौर पर तरंग ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी नहीं है, थोड़ी सी देर दिखी हमको कि ऐसी है, फिर गायब हो गई, फिर दूसरा रूप आया, फिर गायब हो गई, आपस में कई सारी आके मिल गई। इस तरह की स्थिति जहाँ मिलेगी तो उस कंडीशन को हम सी बोलते हैं, सी तरंग बोलते हैं, सी वेव बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्वेल, इसके बारे में जो कह रहे हैं, समुद्र के समतल सतह को, समुद्र के समतल सतह को उत्तरित करने वाली वायु की, समुद्र की समतल सतह को उत्तरित करने वाली वायु की चपेट से चपेट से बनकर निकलने के पश्चात, चपेट से बनकर बाहर गए, चपेट से बाहर निकलने के पश्चात तरंग में एक समान ऊंचाई तथा आवर्त काल के साथ, ऊंचाई तथा आवर्त काल के साथ
एक निश्चित रूप धारण कर लेती है। इसको स्वेल या महातरंग कहते हैं, इसको स्वेल या महातरंग कहते हैं। देखो ये है, ये होती है, ये यानी कि इसकी जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, ये ऊंचाई, यहाँ अगर पाँच बज के पाँच मिनट पर है तो हर बार ये इतने बजे पर यहाँ पर ऐसी तरंग बनेगी, ये और ये गहराई वाली, इन दोनों की ऊंचाई, इनका टाइम, इसकी आवृत्ति बिल्कुल एक समान टाइम में रहेगी और बिल्कुल एक इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। तो इन प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं? स्वेल कहते हैं, ये स्वेल है। ठीक है, तो समुद्र में दिखती होगी ऐसे चलती हुई, आएगी चटपट टूट जाएगी, फिर आएगी फिर टूटेगी, मतलब आगे वाली टूटती रहेगी पीछे वाली आएगी, इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, अगला जो ये स्वेल है आगे चल के जो तट पे टूट रही है, तट पे जहाँ गिर गई टूट गई, वही क्या है? सबसे क्या बनता है? झाग बनता है ना। समुद्र में जो झाग बनाती है तरंगे आके सब किनारों पर झाग बना रही है, वही क्या तरंग है? सर्व, वही सर्व है। ठीक है, लिख लीजिए। तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंग को सर्व कहते हैं। को सर्प कहते हैं। डायग्राम बना दें, जहाँ लिख रहे थे उसके जस्ट आगे लिखा शुरू करो, फिर समझ में आ जाएगा अपने आप। लिखो, तरंग के टूटने के बाद जल की राशि शोर मचाते हुए तट पर ऊपर की ओर वेग से दौड़ती हुई प्रहार करती है, जिसे श्वास कहते हैं। ये बात जो है, ये श्वास है, ये आगे की ओर जाएगी, तट की ओर जाएगी चिल्लाती हुई, बहुत अच्छा आवाज निकालेगी, इसको क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। फिर यही तरंग समुद्र में वापस लौटती है, जिसे बैक वॉश कहते हैं। जो पानी आया अब वो नीचे जाएगा भी वापस, वो वापस जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? बैक वॉश।
बातें नहीं करो, ठीक है। इसके अलावा ये तरंगे तो हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक तरह वो नाम सुना होगा सबसे, सुनामी। नाम सुना है? कैसे आती है? आप समुद्र में पाएगी। कैसे आती है सुनामी? पानी जो बताओ, पानी उसके दुकान में पानी अभी बढ़ा रहता है। पानी क्या सर? सागर के अंदर तूफान आने के लिए समुद्र के भीतर जब या तो किसी प्लेट में मूवमेंट हुआ हो, भूकंप आया हो, या कोई ज्वालामुखी फटा हो, उसके कारण सुनामी तरफों की उत्पत्ति होती है, अन्य किसी कारण से सुनामी नहीं आती है ना। जब समुद्र में कोई दो प्लेटें आपस में टकरा गई हों, या दो प्लेटें आपस में दूर चली गई हो, या कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ हो समुद्र के भीतर तेज, तब सुनामी उत्पन्न होगी, तभी तो एकदम पानी उछलेगा ऊपर को, है ना। भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण, भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण उत्पन्न तरंग को सुनामी कहते हैं। इनमें सर जो आपने जो बताया इनकी कुछ लेंथ भी होती है, जैसे सर होता है इनकी कुछ लेंथ लंबाई होती है, क्या होती है वो आप लोग जान नहीं सकते, केवल गूगल वालों को जानने की जरूरत है। जी एस में इतना ही पता, इसमें तो बहुत कुछ है। अभी ये तो इतना सा पार्ट है तरंग का, तरंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बहुत कुछ है। अभी सर इतना कि लंबाई ऊंचाई कौन सी कब टूट रही है, क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, तो बहुत डिटेल है। इसके बाद आपका अगला आता है ज्वार भाटा। ज्यादा नहीं है इसमें, पर ज्वार भाटा क्या होता है समझ लो, ऐसा जानते हो सर क्या होता है ज्वार, क्या होता है ज्वार भाटा, क्या होता है कौन बताएगा, डेफिनेशन कौन बताएगा? तो ज्वार पानी के चढ़ाव को होता है, ज्वार उतरना होगा जैसे ये पृथ्वी है अपनी, इस पृथ्वी पर जल तो है ना, तो वो जल जब सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव में आकर उठ जाता है तो वो ज्वार, जब गिर जाता है तो भाटा, है ना। एक जब वो इतना उठेगा तो दूसरी तरफ गिरेगा ही, तो ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा दोनों अलग तरह है, ज्वार जल के स्तर के ऊपर उठने वाले भाग को कहते हैं, भाटा नीचे जाने वाले भाग को कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बाद इसके लिए सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां जिम्मेदार हैं, है ना। अगर सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ना हो तो ज्वार भाटा भी ना आए। जैसे ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है, अर्थ के पास में कौन है? मून है, सूर्य तो दूर है, तो जो चीज पास में होगी उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो ज्वार भाटा के लिए मून ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वो पास में है, पास में होने के कारण इसकी आकर्षण शक्ति इस पर अधिक ज्यादा लगेगी, इसकी आकर्षण शक्ति थोड़ी सी कम लगेगी। अगर खाली ये रहता, ये नहीं होता है, तो फिर उतना ज्यादा अच्छा वाला ज्वार नहीं आता है ना। तो मूल के पास होने के कारण ज्वार भाटा ज्यादा प्रभावित होता है, चाहे तो इसका लाइफ भाषा दिखाई, भाषा दिखाई जरूरत नहीं है, नहीं सबको पता है ना, दिखाने की जरूरत नहीं। कुछ फैक्ट है वो लिख लीजिए, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा की ज्वार उत्पादन शक्ति सूर्य की उत्पादन शक्ति से
2.17 गुना ज़्यादा है। सर सेंटेंस रिपीट कर लिए सर, हम वो भी चाहते हैं सर, लाइन दोबारा बोल दीजिए। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में गुना है, जिस कारण चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा लगता है। चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खींच जाता है, जिसके फलस्वरूप ज्वार आता है जो बीच वाले भागों में होता है। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए। ज्वार ये वाला बनाइएगा, ऐसे जिसके फलस्वरूप ज्वार आता है, इसके ठीक पीछे मूल किधर था, इधर था, ये किधर है, इधर का उठा लिया इसने, खींच लिया पानी, ध्यान से सुन लो उसको, मूल इधर था, इसने अपने आकर्षण शक्ति से इस पानी को खींच लिया अपने ऊपर, लेकिन पीछे वाला थोड़ी ना खींचा था, लेकिन वहां भी ज्वार आएगा, तो वहां जो ज्वार आ रहा है उसके लिए कौन सी शक्ति जिम्मेदार है? अपकेंद्रीय बल, यानी कि अगर हमने एक तरफ का जल खींचा तो दूसरा उसके प्रभाव में आके अपने आप दूसरा हिस्सा बढ़ जाएगा, है ना, फिजिक्स का नियम है। अगर हमने इधर का खींचा है तो संतुलन बनाने के कारण इधर का भी क्या होगा, खिंच जाएगा उसके इम्पैक्ट में, तो दोनों तरफ ज्वार आएगा। जब ये दो मेरा हाथ ऐसे था, मेरे हाथ को क्या कर दिया, ऐसे दबा दिया, ये फैल गया ना, ये फैल गया ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, दब जाएगा, ये दब गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, भाटा, यानी कि वहां ज्वार आएगा, ऊपर का हिस्से में क्या आएगा, भाटा आएगा। सर अगर ये समुद्र का जल खींच लेता है तो नदियों का भी खींच लेना चाहिए, इसे इतना ही थोड़ी ना पता चलेगा, नदी का उसका आयतन कौन रहेगा, उसको कहाँ कहाँ खींचेगा, बड़े आयतन भी तो खींचना तो खींचे ना, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा, लेकिन इतना नदी में है ही कहाँ, उसको चाहिए क्या, आकर्षण शक्ति के लिए चाहिए क्या, बड़े तनाव बड़े आयतन वाली चीज तभी तो खींचेगी, छोटी चीजों को तो पता ही नहीं लगता है, जैसे समुद्र में पानी की बूंद डालने का पता लग नहीं है क्या, नहीं लगेगी, ऐसे नहीं लगती, हल्का हल्का इफेक्ट पड़ता होगा। ठीक है, और लिख लिया, कहाँ तक लिखा, इसके ठीक पीछे इसके बाद में भी अपकेंद्रीय बल के कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। ज्वार आता है तथा समुद्र के अन्य समुद्र नहीं पृथ्वी के अन्य भागों से जल खिंच जाने के कारण उन स्थानों पर भाटा आता है। जहां से खिंच गया वहां भाटा है, पृथ्वी के अन्य भागों पर जहां से जल खिंच गया वहां भाटा आता है। लाइन चेंज करके पृथ्वी पर
प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार, दो बार भाटा, प्रत्येक बार प्रत्येक स्थान पर दिन में, एक दिन में अगर यहाँ 12 बजे ज्वार आया है तो 12 बजे भाटा आया है, अरे फिर 12 बजे ज्वार आया फिर 12 बजे पृथ्वी पर स्थान पर दो बार ज्वार तथा दो बार भाटा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। घूर्णन गति समझते हैं क्या? अपने घूर्णन गति इतने नहीं समझते हाथ पर अंदर करो रोटेशन धरती का रोटेट करना ये बना लेना, बना लिया है? अब देखो जो ज्वार है वो भाटा है, ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार दो तरीके के होते हैं, ये भी सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही दिशा में है तो क्या होगा? पहले जो सूरज का फोर्स है वो भी लगा, जो चंद्रमा का है वो भी लगा, पृथ्वी से जो पानी है वो और ज्यादा तेजी से खींचेगा तो वो क्या हो जाएगा? उच्चतम, यानी कि उसे क्या कहेंगे? उच्चतम ज्वार, और इसी समय उच्चतम भाटा भी आएगा। लेकिन अगर ये अर्थ है, ये स्थिति ऐसी है, अर्थ मून सन, अगर ये वाली स्थिति है तब क्या होगा? निम्न ज्वार, तब निम्न हो जाएगा, है ना, तब इतना ऊंचा नहीं आएगा। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति के कारण वृत्त द्वार आता है, दोनों की आकर्षण शक्ति के कारण वृत्त द्वार आता है जो साधारण ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। इसी समय भाटा की ऊंचाई को निचाई भी सबसे निम्नतम होती है, इसी समय भाटा की निचाई भी सबसे निम्नतम होती है। ये अवस्था दो कंडीशन में होती है, अमावस्या और पूर्णिमा, लिख लो। ठीक है, अब दाएं चिंतन से यदि ये वाली स्थिति है, चंद्रमा और पृथ्वी एक संपूर्णिक स्थिति में है, बोलेंगे चंद्रमा और पृथ्वी एक संपूर्णिक स्थिति में है तो ज्वार भाटा निम्न होता है, जो 20% नीचा हो जाएगा, जहां 20% ज्यादा होगा यहां 20% कम हो जाएगा। जब समकोणीय स्थिति में होते हैं, जब समकोणीय
ये तीन चीज़ें होती हैं जो समुद्र के अंदर चलती है। एक तो होता है दबाव, धारा, विशाल धारा। इंग्लिश में इनका नाम सुनने को याद आ जाएगा, ड्रिफ्ट एक्सेस में भी लिखे हुए रहते हैं, करंट लिखा हुआ रहेगा। एक तो हो गए और स्ट्रीम, ड्रिफ्ट जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये दिखनी आई है, ये लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। और ये दिख रही है ये वाली लाइन, ये वाली या ये, इनको कहते हैं करंट धारा, तो विशाल धारा स्ट्रीम। स्ट्रीम वो है जो लगातार एक साथ चलती रहती है, ये है जैसे एक ये है गलत स्ट्रीम देखी होगी, यहाँ चलती है गलत स्ट्रीम है ना, यहाँ चलती है तो यहाँ चलती है। अरे चरण जलधारा जलधारा बात से पहले इसको कर लो, ड्रिफ्ट क्या होता है, धारा क्या होती है, ये क्या होती है, एक लाइन लिखो, एक लाइन प्रभाव लिखो, पहले लिख लो। जब सागर का जल पवन की गति से प्रभावित होकर मंद गति से आगे बढ़ता है, जब सागर का जल, मैं सुनूंगा ये चीज होकर, जब सागर का जल पवन की गति से प्रभावित होकर मंद गति से आगे बढ़ता है तो उसको ड्रिफ्ट कहते हैं, से आगे बढ़ता है तो उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। धारा के बारे में जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत तीव्र गति से आगे की ओर प्रवाहित होता है, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो उसको धारा कहते हैं। जैसे ब्राजील धारा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम धारा, अग्रवास धारा, और विशाल धारा, विशाल धारा देखो स्ट्रीम में जब तीव्र गति है वो निश्चित सीमा के अंतर्गत, जब तीव्र गति और निश्चित सीमा के अंतर्गत नदियों के समान, नदियों के समान प्रवाहित होने वाले प्रवाहित होने वाले सागरीय जल को विशाल धारा कहते हैं, विशाल धारा कहते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम और इनकी गति सबसे तीव्र होती है, इसकी गति क्या होगी कम, इसकी इससे ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा। तीनों में अंतर समझ गए, पूछूंगा तो बता दो उसके बाद, ठीक है। एक्सेस में आप देख रहे हैं इसके नाम ऐसे ही मिलेंगे, गल्फ स्ट्रीम यानी कि नदी की तरह परमानेंट फिक्स है। अब जो है ये सागरीय धाराएं हैं, इन धाराओं को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं धाराओं को उत्पन्न होने में, तो सबसे पहले तो जो हमारी पृथ्वी घूम रही है, रोटेशन कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, उस रोटेशन के कारण सागर के जल भी क्या करता है, उसके साथ साथ चलता है, उसके साथ तो घूमता है। और जैसे
पत्नी कैसे घूमती है, घूमती है तो सागर का जल कैसे घूमेगा, इधर तो घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, ये एक महाद्वीप है, इससे टकराएगी, इधर को चलेगी, इधर को चलेगी, ऐसी तो चलेगी। ये पृथ्वी पर ये है, तो जब ये सागर की ये यहाँ से पृथ्वी घूम रही है वेस्ट में, और ये ईस्ट से ये चला इधर को, ये जा रहा, देखो ये एक इधर को टकरा के इधर को चला, और एक इधर को टकरा के इधर को चला, ऐसे तो चल रहा है सागर का जल, इसके अपोजिट जल घूमता है। ठीक है, दूसरा जो इफेक्ट होगा वो डालेंगे इस पर वायु का, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को टास्क है इसी का, क्या एटलस में से सारी करंट की लोकेशन देखकर आओगे, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, कहाँ से कहाँ को चलती है। अगली क्लास में जब आऊँगा तो सुनूंगा भी और लिखवाऊंगा भी, दोनों बातें करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब इसमें मैं बात बता रहा हूँ, एक मैंने पॉइंट बताया कि डाला इनका किसने लोकेशन में, दूसरा इनका डाल रहा है वायु दाब, वायु दाब कैसे इफेक्ट डाल रहा है। देखो ये एक तली है, क्या है, पानी है, जल है, यहाँ पर वायु का प्रेशर क्या है, हाई है, यहाँ पर वायु का प्रेशर क्या है, लो है, जहाँ हाई होगा तो वहाँ कैसी हो जाएगी, दब जाएगा ना, दबेगा पानी, दब जाएगा, जहाँ लो होगा वहाँ क्या होगा, उठ जाएगा। तो जो उठा हुआ पानी है वो कहाँ पहुँचेगा, जहाँ दबा हुआ है, हाई की तरफ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। हमने कितनी बार हम लोगों को बताया होगा कि जो विषुवत रेखा है यहाँ पर प्रेशर कैसा है, लो, और जो ऊपर का हिस्सा धूप वाला वहाँ कैसा प्रेशर है, हाई। तो ये भी जल की गति को बढ़ाने में अपना योगदान देता है वायु दाब। ठीक है, बात समझ गए। अगला आता है वाष्पीकरण और प्रचलित पवन, वाष्पीकरण और प्रचलित पवन, वाष्पीकरण और पवने, पवने कौन सी, परमानेंट वाली, ये कौन सी है बताओ, तो नाम बताओ क्या, ये कौन सी पवन है, और ये कौन सी है, कौन सी है, कछुआ, कछुआ ये है, ये तो ये जो पवने हैं ये परमानेंट वाले पवन, ये क्या डालती है, इम्पैक्ट डालती है इसमें उनकी दिशाओं को बढ़ाने में। अगर कोई जैसे कोई चल रही है ऐसे, तो और हवा भी ऐसे चल रही है, तो क्या करेगी, ये बढ़ा देगी। ठीक है, ये वाले देखो, ये क्या है, ये पछुआ पवन है, यहाँ पर कौन सी चलती है, पछुआ पवन, तो पछुआ पवन इनको गति प्रदान करती है। ठीक है, चलो अब इतना ही आज बाकी बात हूँ सर, बिजली क्यों कड़कती है, क्या वजह होती है, बिजली क्यों कड़कती है, इसकी क्या वजह होती है, बिजली क्यों गिरती है, कड़कती है आवाज़ इतनी दर,